हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं आपकी जान पहचान वाली तो नहीं हूँ, पर शायद आप ये वीडियो देखने के बाद मुझे मे बी आप लोग जान सकते हो, या फिर मेरी कुछ ऐसी बातें आपको मे बी बहुत अच्छी लग सकती है। और मैं चाहती हूँ कि आप सबको अच्छा लगे, क्योंकि अभी जैसा दौर चल रहा है, आई फील कि सच्चाई का सामना सबके सामने आना ही चाहिए। एंड देयर शुड बी द अल्टीमेट ट्रुथ दैट पीपल नीड टू नो। एंड मैं आज ऐसे ही एक्चुअली कुछ आपसे यूँ शेयर करना चाहती हूँ कुछ बातें, और मैं चाहती नहीं हूँ कि ये वीडियो मतलब कुछ पब्लिसिटी स्टंट के लिए जाना जाए या किसी और चीज़ के लिए जाना जाए। मैं चाहती हूँ लोग इसको जाने, ताकि सबको पता चले कि रियलिटी क्या है। हमारा जो एज है, इवन इट्स नॉट अबाउट एज, इवन इट्स अबाउट आवर माइंड सेट और समथिंग एल्स, हम लोग किस दौर से गुजर रहे हैं, और हमारे अभी जैसे सिचुएशंस चल रहे हैं सोसाइटी में, और हम लोग जिस चीज़ को देख रहे हैं अभी, वो सब चीज़ें हमारे दिमाग पे कैसे असर डाल रहे हैं। सो बहुत सी बेसिक से चीज़ों से मैं स्टार्ट करना चाहूँगी। एक्चुअली आज मैंने कुछ पढ़ा, कुछ न्यूज़ मैंने देखा एक्चुअली, एंड द मैटर इज़ रिलेटेड टू सुशांत सिंह राजपूत्स डेथ। तो वहाँ पे मैंने ऐसा देखा कि ओके फाइन, द कि वो दैट एक्टर इज़ नाउ हिज नो मोर, एंड लाइक हम सबको बहुत दुख है उस बारे में। इवन आई एम लाइक अ बिगेस्ट फैन ऑफ हिज ऑफ दिस यू नो बिगेस्ट स्टार, बट इवन आई एम नॉट इन द फेवर ऑफ नेपोटिज्म और वट एवर यू कॉल, बिकॉज आई बिलीव इन रियल टैलेंट। सो नाउ आई फील कि चीज़ें बहुत हद तक आगे बढ़ जा रही हैं, और जिस तरह से इन चीज़ों को हम लोग पब्लिसिटी के हिसाब से देख रहे हैं, दैट इज़ समहाउ ब्रिंगिंग अ वेरी वेरी बैड इम्पैक्ट ऑन आवर यूथ। सो मैं इस वीडियो पे आपको कुछ छोटे छोटे चीज़ें बताना चाहूँगी, जो शायद ही आपको अच्छा लगे, और मैं चाहती हूँ सबको अच्छा लगे ये चीज़ें। मैं आज एक न्यूज़ पढ़ी, एंड लाइक आई बिलोंग टू ओडिशा, सो मैं ऐसे ही न्यूज़ स्क्रॉल कर रही थी, सो आई केम अक्रॉस वन न्यूज़ वेयर इट वाज रिटन लाइक इट वाज शोइंग कि एक बहुत कम साल की बच्ची, लाइक शी इज़ इन एट्थ और नाइन्थ, शी वाज इन एट्थ और नाइन्थ, एंड सी कमिटेड सुइसाइड। ओके, सो अब उसने सुइसाइड क्यों करा है? सो द पेरेंट्स आर बिलीविंग कि लाइक शी वॉज वेरी अपसेट आफ्टर द डेथ ऑफ सुशांत, एंड शी वॉज लाइक यू नो अपने आप को एक कॉर्नर कर दी थी, एक लाइक शी वॉज स्टेइंग अलोन इन हर रूम, बहुत अपसेट थी उनके डेथ के बाद से। एंड आई थिंक द न्यूज़ वॉज ऑफ 2-3 days बिफोर, एंड दैट गर्ल हैज़ कमिटेड सुइसाइड बाई हैंगिंग। सो हम लोग ये चीज़ों को बहुत ही निगलेक्ट कर देते हैं, बिकॉज हमको लगता है कि क्या ही वो लड़की कर दी, क्यों मर गई। अब एक्टर तो ने चलो सुसाइड करा है, उसकी कोई बड़ी फैन ने सुसाइड करा है, सो हम लोग उसको एक पॉजिटिव वे में देखते हैं और एक नेगेटिव वे में देखते हैं। एक्चुअली देर इज़ नो पॉजिटिव वे, बट लोग जैसे उसके पेरेंट्स को पुलिस बता रहे हैं कि उनके पेरेंट्स को लग रहा है कि जस्ट बिकॉज शी वॉज लाइक अ बिगेस्ट फैन ऑफ सुशांत, सो शी कुडंट टॉलरेट द फैक्ट दैट ही डैड, सो दैट इज़ द ओनली रीजन वाई शी कमिटेड सुसाइड। बट डू यू थिंक दिस इज़ आवर लाइफ? मैंने आप लोग को ऐसा लगता है सबको कि हम लोग का जो ज़िंदगी है, लाइक द वे वी आर लिविंग आवर लाइव्स, इज इट द ओनली वे वी शुड डील विथ इट? इज दैट नॉट एनी अदर वे वी कुड लाइक फील कि हम लोग बहुत खुश हैं, हम लोग बहुत सेटिस्फाइड हैं? वो तो चलो बच्ची थी, बट ऐसा होता है कि हम कुछ चीज़ों को लेके, लाइक अगर कुछ पब्लिकली कुछ चीज़ें होते हैं, या फिर हमारे एम्बिशंस कुछ पूरे नहीं होते हैं, या फिर हम किसी बहुत ज़्यादा टेंशन से गुजर रहे होते हैं, तो वी डू सच थिंग्स जिसके आगे ना हम कुछ सोच सकते हैं, क्योंकि हम रहते नहीं हैं ज़िंदा, और ना ही पीछे का हम लोग एक बार देखते हैं कि हमने पीछे क्या करा है अच्छा, जिसके वजह से हम ये सब कदम हमको नहीं उठाना चाहिए। सो दिस इज़ वॉट आई बिलीव कि आज के डेट में सबको समझना चाहिए कि ऐसा नहीं होता है, दिस इज़ नॉट वॉट आवर लाइफ शुड बी। हम लोग को अपने ज़िंदगी में एक ऐसा दौर लाना चाहिए, इट इज़ ऑब्वियस कि आपके लाइफ में कुछ खुशी होंगे, कुछ दुख होंगे, कभी ऐसा भी हो सकता है कि आप जो चाहते हो आपको नहीं भी मिले, और दिस इज़ वेरी ऑब्वियस बिकॉज दिस इज़ वॉट लाइफ इज़ मेंट टू बी। बट आप हर चीज़ को ग्रांटेड नहीं ले सकते हो, आप हर चीज़ को लेके ओवरथिंक नहीं कर सकते हो। मैं ये नहीं कहती कि सुशांत के जो डेथ हुए दैट वाज एनीथिंग रिलेटेड टू, लाइक ये उनकी निजी ज़िंदगी थी। मेरा कहने का मतलब ये है कि इट इज़ समथिंग वेरी पर्सनल, लाइक व्हाई ही कमिटेड सुइसाइड, दिस समथिंग वी सी ऑन स्क्रीन,
ओके, लेकिन हमको इसलिए वो चीज़ें बुरा लग रहा है क्योंकि ही वॉज़ अ वेरी फाइन एक्टर एंड ही डाइड एट अ वेरी यंग एज. उनके पेरेंट्स पे क्या बीत रही होंगी, उनके फैमिली पे क्या बीत रही होंगी, सो ये चीज़ें सुन के हमको बहुत बुरे लगता है, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है हम लोग को. बट हम लोग एक तरफा एक बार भी ये नहीं सोचते हैं कि अगर हम लोग उस एक्ट को लेके कुछ भी गलत करते हैं तो वट विल हैपन टू आवर पेरेंट्स, वट विल हैपन टू आवर लाइफ, वट विल हैपन टू अस, वट इज़ आवर फ्यूचर फॉर दिस. सो नॉट ओनली दिस मैटर ऑफ सुशांत, आई एम टॉकिंग अबाउट वेरियस थिंग्स इन लाइफ. सपोज मतलब ऐसा भी सिचुएशन होता है कि लाइक अगर कोई बच्चा को कोई कॉलेज या स्कूल में बुली करता है या फिर किसी चीज़ के वजह से दे आर लाइक वेरी अपसेट रिगार्डिंग देयर मार्क्स और एनी थिंग और सब्जेक्ट्स. लाइक वन ऑफ माई जूनियर ऑल्सो कमिटेड सुसाइड फ्यू डेज बैक एंड ही रोट इन फेसबुक लाइक समथिंग लाइक नो वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर माई डेथ, आई एम लाइक 24, आई हैवन डन एनी थिंग फॉर माई पेरेंट्स, नीदर आई एम अ गुड बॉय, नीदर आई एम अ गुड सन और समथिंग लाइक दिस. सो उनके दिमाग में भी कुछ कुछ ऐसी चीज़ें आए कि लाइक 24 साल हो गए, मैंने अभी तो कुछ करा नहीं है और लाइक यू नो आई एम नॉट गुड फॉर दिस वर्ल्ड, आई एम नॉट फिट फॉर दिस वर्ल्ड. सो ऐसा सोच के उन्होंने भी सुसाइड कमिट करा है. सो ऐसे न्यूज़ देख के बहुत से लोगों पे एक गलत इम्पैक्ट पड़ता है क्योंकि सबको लगता है कि हम भी कुछ नहीं कर रहे हैं, उसने भी ऐसा कर दिया, क्यों किया उसने ऐसा. लोग सोचने लग जाते हैं उस पॉइंट पे कि उसने ऐसा किया है 24 साल पे, मैं भी 24 साल का हूँ, मैंने भी कुछ नहीं करा है, मुझे भी कुछ ऐसा गलत कर देना चाहिए. तो लोगों के दिमाग में ये सब बातें आ जाते हैं. इट्स नॉट बिकॉज कि वी आर इन दिस एज, इट्स जस्ट बिकॉज दिस ऑल थिंग्स आर हैपनिंग एंड वी आर स्टेइंग इन अ वर्ल्ड, वी आर स्टेइंग इन अ सोसाइटी जहाँ पे हर चीज़ को हम लोग ओवर थिंक करते हैं. सो मेरा जो आज का पॉइंट है सिर्फ सिंपल सा पॉइंट है कि वाई वी यूज़ टू ओवर थिंक, वाई वी यूज़ टू ओवर थिंक, हम क्यों ओवर थिंकिंग करते हैं. अब जब मुझे पता है कि ये पिज़्ज़ा है और ये बर्गर है, मेरी औकात पिज़्ज़ा की है या फिर मेरी औकात बर्गर की है, दैट द ओनली थिंग आई नो. मेरे हिसाब से कोई जज नहीं करेगा कि अरे वाह तेरे पास तो पैसा नहीं है, तो पिज़्ज़ा नहीं खा सकती है, तो बर्गर खा रही है. सो ये जो आ जाते हैं ह्यूमिलेशन या फिर कंपैरिजन या फिर हम पिज़्ज़ा को हासिल करने के लिए एम्बिशियस बन जाते हैं हर चीज़ को लेके, सो ये सब चीज़ों की वजह से आज के डेट पे बहुत से गलत गलत चीज़ें लोग करते हैं, यूथ पे एक बहुत ही ज़्यादा बैड इम्पैक्ट पड़ता है. सो मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि अगर आपके लाइफ में ऐसा कोई टेंशन है, लाइक इफ़ यू आर लाइक बींग एम्बिशियस इज़ गुड, बट उसके लिए आपको सही रास्ता देखना चाहिए. ऐसा नहीं है कि क्योंकि रास्ते में हार जीत उठना गिरना सब चलता रहेगा, बट दैट इज़ आवर लाइफ, दैट शुड लाइक हम वो चीज़ को ओवर थिंक नहीं कर सकते हैं कि मैं पिज़्ज़ा क्यों नहीं खा पाई. इफ़ आई एम गेटिंग अ बर्गर आई शुड बी हैप्पी विद द बर्गर, इफ़ आई एम नॉट गेटिंग द पिज़्ज़ा आई शुड थिंक हाउ कैन आई गेट द पिज़्ज़ा. बट पिज़्ज़ा को लेने के लिए और खाने के लिए मैं अपनी जान नहीं दे दूँगी, क्योंकि अगर मैं अपनी जान दे रही हूँ तो शायद मैं पिज़्ज़ा कभी नहीं खा पाऊँगी. आगे ऐसे उम्मीद हो भी सकता है कि मुझे पिज़्ज़ा मिल सकता है. अगर मैं अभी से हार मान के सुइसाइड कर लूँ या फिर डिप्रेशन में चली जाऊँ या फिर कुछ ऐसा कर जाऊँ जबकि मुझे लाइफ लॉन्ग पिज़्ज़ा नहीं मिलेगा, तो फिर क्या ही मतलब हुआ मुझे पिज़्ज़ा के पीछे भागने का. सो माई पॉइंट इज इंस्टेड ऑफ यू नो फीलिंग दैट fear, instead of having that guilt ki I'm not doing anything, I'm at this age and I'm being bullied by you, every person, like there will be molestation, there will be like people who will be telling you like tumne abhi tak kuch nahi kara hai, ha bhai nahi kara, tumko kya farak padta hai, humne nahi kiya na, tumko farak nahi padna chahiye, ab humne nahi kiya to humne nahi kiya, bas baat khatam hai, tum mere liye to nahi kar doge na, whatever you will do you will always do it for yourself and there will be no one who will टेल यू कि आपको ये करना चाहिए आपको ये नहीं करना चाहिए. हाँ पेरेंट्स रिलेटिव फ्रेंड्स बहुत लोग आपको सपोर्ट करेंगे आपके रास्ते में, पर अल्टीमेटली यू हैव टू चूज़ योर पाथ. तो अगर आपको ऐसा कभी लगता है कि लाइक आपने कभी ये सब चीज़ें नहीं किया है और आपको डर लग रहा है, यू आर गेटिंग दैट फियर कॉन्स्टेंट फियर यू नो, सो यू शुड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स और एनी वन क्लोज टू यू. बट हमेशा सोसाइटी को देख के या फिर लोगों के इधर उधर की चीज़ें देख के आपको कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं गलत हूँ या फिर मुझे ऐसा कर देना चाहिए था, वो ऐसा कर रहा है मुझे ऐसा करना चाहिए था, उसको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है मुझे नहीं मिल रहा है. सो दीज ऑल थिंग्स यू नो नॉट वेरी वैलिड. सो ये क्यों वैलिड नहीं है मैं आपको इसलिए बताती हूँ क्योंकि जैसे मैंने कहा कि पिज़्ज़ा और बर्गर का डिफ्रेंशिएशन, अगर मुझे पिज़्ज़ा चाहिए सो आई विल मेक एफर्ट टू गेट इट, आई विल नॉट डाई टू इट इट, दैट्स द डिफरेंस. आई विल मेक एफर्ट टू इट बट आई विल नॉट डाई टू इट इट. मैं अगर मर जाऊँ तो भाई खाएगा कौन पिज़्ज़ा को. तो इसीलिए आपको हमेशा लाइफ में एक
सर्टन मोटिवेशन होना चाहिए, विच आई बिलीव इज सेल्फ मोटिवेशन इज़ द बेस्ट थिंग पीपल शुड यू नो लर्न नाउ डेज. अगर हमको ये लगता है कि हम ये कर सकते हैं तो हम ही कर सकते हैं, हमारे अलावा कोई और इसको नहीं कर सकता है. अगर हमको लगता है ये चीज़ें हम नहीं कर सकते हमारे बस के बाहर, बिकॉज यू कैनॉट डू एवरीथिंग इन योर लाइफ राइट. सो अगर हमको ऐसा लगता है कि हम ये चीज़ें नहीं कर सकते हैं, सो यू शुड स्टेप बैक, थिंक कि आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते. इवन इफ आपको लगता है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते तो दैट रियली डजेंट मैटर, क्योंकि भगवान सबको बनाया है कुछ स्पेशल पर्पज से. अब अभी आपके पास हाथ है पैर है, आप कुछ ना कुछ तो कर ही सकते हो, इनकम कर सकते हो, कुछ ना कुछ पैसा तो ला ही सकते हो, एटलीस्ट दो टाइम का रोटी खाने के लिए तो उतना तो कर ही सकते हो, चाहे आपके पास पिज़्ज़ा हो या ना हो. अगर आपको पिज़्ज़ा से ही दुनिया की सारी खुशियाँ मिल गई होती तो फिर होगी बात भाई. तो ऐसा तो नहीं है कि आपको हर खुशी पिज़्ज़ा में ही है, कभी कभी आपको बर्गर में भी सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, आइसक्रीम में भी सेटिस्फेक्शन होना चाहिए. सो माय पॉइंट इज़ आप हमेशा खुश रहने की कोशिश करें, जो भी चीज़ें आपको मिलती है छोटी हो बड़ी हो जैसी भी हो, बी हैप्पी विथ वॉट एवर यू हैव. डोंट मेक अ कंपेरिजन विथ पीपल अराउंड यू कि वो ऐसा कर रहा है मैं ऐसे क्यों नहीं कर रही हूँ, उसको ऐसा मिल रहा है मुझे क्यों नहीं मिल रहा. सो द काइंड ऑफ कंपेरिजन, द काइंड ऑफ यू नो द फियर यू गेट टेक्स यू टू अ very different mode that we call depression, anxieties, the ambitious nature and all those things. So these are some things people shouldn't get into. This is my advice. So all I can tell you is ki ye jo sab affair, I mean not affair, jo bhi cheeze aap society mein dekhte ho aap usko dil pe na le jaye, because aaj agar ek Sushant Singh Rajput mara hai to unhone kuch aise mudde bahar nikale hain jo shayad hi koi nikal pata. तो उसके लिए ठीक है आप बहुत बड़े फ़ैन हैं, आप जो भी हैं, या फिर अभी तक आपको लाइफ में लगता है कि लाइक वो उनके डेथ के बाद देयर पेरेंट्स आर क्राइंग और आपके डेथ के बाद योर पेरेंट्स विल क्राई, तो आप एक बार सोचिए कि अभी अगर आप कुछ भी गलत स्टेप लेते हो सो आपके फैमिली उसमें ड्रैग होते हैं, उनको ज़िंदगी भर गिल्ट रह जाता है. तो वो सब चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर चीज़ को लेके अभी अगर हम लोग सोचने लग जाए और उस पर अभी अब हम लोग को अगर बैड इम्पैक्ट उस टाइम पड़ता है तो हमको उस चीज़ों से दूर रहना चाहिए. मैं ये नहीं कहती कि किसी का फ़ैन होना गलत है या फिर किसी को सपोर्ट करना गलत है या फिर किसी के लिए अपसेट होना गलत है, कोई भी चीज़ गलत नहीं है. बट द ओनली थिंग आई एम टेलिंग इज़ रॉन्ग हियर इज़ आप कोई चीज़ों से देखते हो सुनते हो कोई चीज़ों को तो आप उससे अपने आप को संभाल के रखो, क्योंकि चीज़ें बहुत होती रहेंगी लाइफ में. यू हैव टू कंट्रोल योर इमोशंस, यू हैव टू कंट्रोल योर माइंडसेट, यू हैव टू कंट्रोल योर थिंकिंग एबिलिटीज एंड यू हैव टू कंट्रोल द वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट आई विल बी टेलिंग हियर इज यू हैव टू कंट्रोल द वे यू लिव योर लाइफ. अगर आप अपने ज़िंदगी के तरीके को नहीं संभालोगे तो आप ज़िंदगी जी नहीं पाओगे और आपको बहाने मिलेंगे उसको लूज़ करने के लिए, एंड दैट्स वॉट पीपल डू कमिट सुसाइड. सो दिस इज़ वॉट आई वॉन्ट टू से, live the way you like. Even if you are not liking the way you are living your life, try some new ways, because hamesha naye cheezon mein hi khushi milti hai. Ek cheez nahi hua dusra try karo, dusra nahi hua teesra try karo, aise sekdo cheeze aap try karo, aapko kahin na kahin to khushi mil hi jayegi, itna ummeed hai. Agar aapko kahin bhi khushi nahi milti hai to aap hamesha ek cheez yaad rakhna ki bhagwan ne aapko jab janam diye hain idhar is dharti par to kuch na kuch soch ke diye honge. आप ऐसे मर जाना डिप्रेशन में रहना, दैट्स नॉट वॉट योर पेरेंट्स हैव थॉट अबाउट. सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर माइंड सेट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड बी वेरी 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 स्ट्रॉन्ग इन सच पैंडमिक कंडीशंस लाइक लॉकडाउन और कोरोना वायरस और एनीथिंग. स्टे वेरी कूल एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. बाय बाय.